जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है कि वो फ्रांस के का जो भगदड़ मचाया है मुसलमानों ने, घुसपैठी है मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है, तो रत्ती भर का 1.01% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप पटके पड़े हैं कि हमने तो भाई 11 साल की बच्ची से शादी निकाह करना है क्योंकि उसका पीरियड्स हो गया है, हमने तो 4 शादी करनी है क्योंकि सुन्ना सुन्ना में है, हमने तो भाई हलाला करना है क्योंकि शरिया में है, हमने तो भाई मदरसा खोलना है क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम है। तो भैया दीनी तालीम के साथ साथ अकेडमिक तालीम भी बहुत जरूरी है ना। आपके पाकिस्तान की अदाकाराओं से लेकर के जो बाजार में लड़कियां चलती हैं ना, उनको भी हिंदुस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो 4 बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए, और सनातनी बन गई है। तो दिस इज द मैं अपने भारत से मोहब्बत करती हूँ, इस भूमि से मोहब्बत करती हूँ, इस भारत की मिट्टी से मोहब्बत करती हूँ, मैं अल्लाह का कुरान मानती हूँ और मैं रसूल की सुन्नत मानती हूँ, मैं मुल्ला का फतवा नहीं मानती हूँ और मैं मुल्ला की बकवास बातों को नहीं मानती। देखिए फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरिनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है, एक ही तोपो सलामी जैसा सिचुएशन होता है, खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है और उनको लेकर के जाती है, भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनारियोस, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कुछ कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा मैम जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है। अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है उससे, आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है? मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो, इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं, तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बंध गया है ना। बिल्कुल तो देखिए पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है, हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है, हिंदुस्तान का डिफेंस 4 पोजीशन पर है, हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ है वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं, हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर
के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, ये तो जाहिर सी बात है। अब इसको मैं और थोड़ा सा रॉ तरीके से बता देती हूँ ताकि पाकिस्तान के व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है और जाहिल को जाहिल की ही सराउंडिंग अच्छी लगती है। जैसे कुत्ते के भीड़ में कुत्ता ही बैठता है और शेर के साथ शेर ही बैठता है, तो उसी तरीके से जब दो तरक्की याफ्ता देश आपस में मिलता है तो तरक्की की बात होती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छी चीजों की बात होती है, एनवायरमेंट की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है। अब आते हैं कि वहां पर जो भी बातें हो रही हैं उसमें दिल्ली और पेरिस को कैसे किस तरीके से डिफेंस सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इस बारे में बात हो रही है। तो भाई एक तरक्की याफ्ता देश मिल रहा है और एक टेक्निकल देश मिल रहा है, एक इम्प्रूव देश मिल रहा है, तो अच्छी और खूबसूरत और डेवलप वाली बात ही होगी ना। अब आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह कटोरा लेकर के तो सब नहीं चला जाएगा ना, हम तो तरक्की की बात करते हैं क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तान है वो तरक्की याफ्ता देश है, बहुत बहुत डेवलप देश है, तो जाहिर सी बात है कि हम तरक्की की बात करेंगे। अब मैं और एक चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगी क्योंकि काफी बर्नौल की जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान को और काफी मुझे लगता है कि ईच गार्ड की भी जरूरत पड़ती रहती है क्योंकि खुजली, जलन, हसद ये सब पाकिस्तानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये कहेंगे कि भाई अभी तो फ्रांस में इतना दंगा हो रहा है, अभी तो फ्रांस में इतना कुछ हो रहा है, पर उसका एक भी इफेक्ट इस विजिट में नहीं होने वाला है और फ्रांस के गवर्नमेंट ने पहले ही पाकिस्तानियों को वार्न कर दिया है कि भैया तुम्हारा आना तो बैन है मेरे देश में। अब न्यूज नहीं मिली, नहीं बैन का बहुत ये लेटेस्ट मैंने न्यूज इस है, कोई बारे में अभी तक खबर नहीं देखी कि पाकिस्तानियों को बंद कर आर्टिकल दिया गया फ्रांस में। आए हैं जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है कि वो फ्रांस के का जो भगदड़ मचाया है मुसलमानों ने, घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है तो रत्ती भर का 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमारे एनएसए के डायरेक्टर अजित डोवल जी पहले ही वहां पर विजिट करके सब कुछ देख चुके हैं, और सब मैंने कुछ देख चुके हैं। अच्छा मैं यहाँ पे मैं ये कहना इसके अलावा चाहूंगा, फॉर्मल एम्बेसडर, जी, यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात काटी, ये कहना चाहूंगा कि यूएस के विजिट पे भी बिजनेसमैन गए मोदी जी के साथ, वहां पे डिनर वगैरह किया और बिजनेस रिलेटेड डील हुई। अभी भी खबर के मुताबिक जो फ्रांस का विजिट होगा उसमें सीईओ इंडिया के जो सीईओज हैं वो मोदी जी की टीम का हिस्सा होंगे। ये क्या मिशन है मोदी जी का कि बड़े बड़े कंट्रीज में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर उनको अपने कंट्री में लेकर आ रहे हैं? इसके पीछे आप क्या समझती हैं कि ये मोदी जी का विजन है या फिर उनकी मजबूरी है दूसरे कंट्रीज की? अच्छा मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपकी गाड़ी में तेल ना हो तो धक्का दे करके आप कितने दिन चला पाएंगे, कितने समय तक चला पाएंगे? थोड़ा सा इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की गाड़ी में तेल है, इसीलिए सारे देश जब हिंदुस्तान से मुलाकात करते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेड इन इंडिया के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेड इन इंडिया अब तरक्की कर चुका है, आसमान को छू चुका है और जो फॉरेन कंट्रीज है वो अब मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के डिजिटल को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के यूपीआई को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के 5G और 6G को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहती है। हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके उनके व्यूज जानना चाहती है, उनकी उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी को कंफ्रंटेशन में बैठना चाहती है क्योंकि ये जो 9 साल में हमारा नया भारत बना है ये स्मार्ट भारत बना है, ये नया भारत है, ये डिजिटल भारत है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू, इसका इसकी अहमियत सब कुछ बहुत अलग है।
बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं। और अब मैं एग्री करूं या ना करूं, पाकिस्तान से कोई एग्री करे या ना करे, इंडिया इन चीजों को शायद बिल्कुल अपने सामने नहीं रखता। इंडिया की नजर जहां पे है वो पूरी दुनिया देख रहे हैं आने वाले टाइम में। और बहुत तेजी से अब यह खबर सुनने में आती है कि आने वाले टाइम में तीसरी इकॉनमी बनने वाला है, आने वाले टाइम में तीसरी इकॉनमी बनने वाला है। मैं खुद ये चाहूंगा कि हमारा नेबर है तीसरी इकॉनमी क्या पहली इकॉनमी बने, शायद फायदा हमें ही होगा। लेकिन जहां पे नेगेटिव माइंडेड अगर पाकिस्तान में कुछ लोग, या नेगेटिव माइंडेड नहीं, उनके माइंड में ऐसा बैठा दिया गया है कि भाई इंडिया तो गरीब कंट्री है, या इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करके इंडिया को फायदा होने वाला है, पाकिस्तान को फायदा नहीं होने वाला, तो आप क्या समझती हैं हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे? कैसे बदल सकते हैं हम? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सोच को बदला जाए। कैसे बदलिएगा? अगर आप व्यक्तिगत, अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आधा पाकिस्तान आज भी मोदी भक्त है। आप जब बूम लेकर के निकलते होंगे और बाहर आप बात करते होंगे, तो शायद मोदी भक्ति ही चलती होगी। आज पाकिस्तान के हर एक चैनल पर, हर एक छोटे बड़े चैनल पर मोदी भक्ति की ही बात चल रही है। भारत के अचीवमेंट्स, भारत के इम्प्रूवमेंट, भारत के डेवलपमेंट के बारे में ही बात चल रही है। लेकिन आपकी सरकार अटकी हुई है जिन्ना के जमाने से। जिन्ना के जमाने से आपकी सरकार जहां अटकी थी वहीं अटकी पड़ी है, और वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जो देश शिक्षित ना हो, जिस देश में महिलाओं का सम्मान ना हो, जिस देश में महिलाओं को शिक्षित ना किया जाए, उनको सम्मान ना दिया जाए। क्यों? देखिए, हर वो मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, या किसी भी मुस्लिम कंट्रीज का हो, जब तक वो ये ना चाह ले कि मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे शिक्षित होना है, मुझे मेरी भलाई सोचनी है, तब तक वो देश और वो मुसलमान कभी तरक्की की राह पर नहीं चल पाएगा और कभी तरक्की से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। आप अटके पड़े हैं कि हमने तो भाई 11 साल की बच्ची से शादी निकाह करना है क्योंकि उसका पीरियड्स हो गया है, हमने तो 4 शादी करनी है क्योंकि सुन्ना सुन्ना में है, हमने तो भाई हलाला करना है क्योंकि शरिया में है, हमने तो भाई मदरसा खोलना है क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम है। तो भैया, दीनी तालीम के साथ साथ अकेडमिक तालीम भी बहुत जरूरी है ना। आज आज हिंदुस्तान को देख करके मुंह से जो पानी गिर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पंजाबी, उड़िया, सबके सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेते हैं और उसके साथ साथ अपना जो मजहब है उसको भी मान सम्मान देते हैं। मजहब क्या है? हमारे घर के अंदर आने के बाद पता चलता है कि मैं मुस्लिम हूँ कि मैं हिंदू हूँ, पर जब मैं कोर्ट जाती हूँ, जब मैं पॉलिटिकल मीटिंग में जाती हूँ, जब मैं अवेयरनेस सेमिनार्स में जाती हूँ, जब मैं बच्चों के पास जाती हूँ, तो मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक नारी होती हूँ और नारी सुरक्षा की बात करती हूँ। उस वक्त हिंदू और मुसलमान लाने की जरूरत नहीं होती है, पर यह आपका पाकिस्तान तो समझेगा नहीं ना। मैम, यहाँ पे मैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है वो आपसे करने वाला हूँ। आपको अगर बेहतर लगे आप उसका आंसर करिएगा। एक सवाल तो ये है कि जो आपसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, हमारा दूसरा तीसरा सेशन है, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद इंडिया वाले, या आपकी अगर पर्सनली बात करें, शायद आप पाकिस्तान से नफरत करती हैं, पाकिस्तानियों से नफरत करती हैं। क्या ऐसा कुछ है, या आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मुझे ऐसा फील हुआ आप। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में जिस चीज का कोई वजूद नहीं होता है, ना हम उससे नफरत करते हैं, ना हम उससे मोहब्बत करते हैं। शायद आपको जवाब मिल चुका होगा। ठीक है। अच्छा मैम, एक और चीज, जब पाकिस्तान से आपने भी बोला कि राल टपकती है इंडिया की डेवलपमेंट को देखते हुए, और इस तरीके से आप जेलस होते हैं, मतलब पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को लेकर बात की गई, तो अगर नेगेटिव बात करता है कोई पाकिस्तान से, तो ये कहा जाता है कि भाई नफरत फैला रहा है। अगर कोई तारीफ करता है, लेट्स सपोज, तो ये कहा जाता है कि जी उन्हें देख के जो उनसे आप कह लें कि राल टपक रही है मोदी जी को देख के, या इंडिया की डेवलपमेंट को देख के, तो हम मतलब अगर अप्रिशिएट करें या हम लेग पुलिंग करें दोनों साइड से, तो आप हमें बख्शते नजर नहीं आते। है कि आपके पाकिस्तान की अदाकाराओं से लेकर के जो बाजार में लड़कियां चलती हैं ना, उनको भी हिंदुस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो 4 बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए,
और सनातनी बन गई है, तो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ सनातन धर्म। ये है मान सम्मान और ये है इज्जत सनातन धर्म की। अब आते हैं कि लार टपकना या जेलस होना, जब आपके आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठते हैं तब तो मुंह बंद हो जाती है, तब तो बेचारे थैंक यू बोल करके निकल पड़ते हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान के गली कूचों में जब वो तकरीर करते हैं तो कहते हैं कि बहुत चंद दिनों में हमारा पाकिस्तान इतना इतना तरक्की याफ्ता हो जाएगा कि हम दूसरे देशों को हम कर्ज दिया करेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ जेलस ना, मतलब दिस ये इज जेलसी ना। ऐसे बहुत से नारे हैं जो पाकिस्तान में लगाए जाते हैं और इंडिया का नाम लेके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जज्बात एक के चीज साथ और लगाए जाते हैं। आपको, मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आखिर देखिए, ये इमरान खान जब प्रधानमंत्री था आपके पाकिस्तान में, मैं तब की बात कर रही हूँ कि एक लड़की को, लड़की के कपड़े बीच बीच चौराहे पर फाड़े गए थे, लाहौर की बात है शायद, बीच चौराहे पर, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद वो लड़की निकली थी शायद किसी काम से, और उसके कपड़े फाड़े गए थे, और उस पर इमरान खान ने ये टिप्पणी की थी कि इतनी रात को उसको निकलने की जरूरत क्या थी, ऐसा क्या था कि वो निकली थी इतनी रात को। तो ऐसा मुसलमान देश और ऐसा इस्लामिक देश पर खुदा का भी कहर नाजिल होता है। क्यों आज अभी रात का 1 बज रहा है, मैं अभी आई हूं अपनी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करके, मेरे कपड़े तो किसी ने नहीं फाड़े, और अगर फटे मेरे कपड़े तो कानून ऐसी सजा देगा कि पूरी जिंदगी, उन मर्दों की जिंदगी हराम हो जाएगी, जहन्नम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंडिया, यहाँ का हिंदुस्तान का कानून, यहाँ का संविधान, यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति औरत की तरफ गंदी नजर उठाने नहीं देती है किसी को, और जो उठाता है उसकी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यही रीजन है ना। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें ये रेप के केसेस हो या हरासमेंट के केसेस हो, मैं ये बिल्कुल फेयरली ये कहना चाहूंगा कि अपना ये हर कंट्री में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री ऐसा हो, वहां पे ये केसेस होते हैं। मतलब अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये स्टेटमेंट हरगिज नहीं देनी चाहिए थी, और वो भी इतने, आप एक लेवल पे बैठ के ये कहें कि आपको आधी रात को बाहर नहीं आना चाहिए, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, खवातीन के दिन उजारी हुई, दिल दुखा उनका। ये चीजें हमें देखने की जरूरत है, लेकिन ये इश्यूज तो हर कंट्रीज में है। इश्यूज होते हैं, मैंने आपको कहा ना कि इश्यूज होते हैं, हर कंट्रीज में होते हैं, अच्छे और बुरे इंसान हर एक जगह होते हैं, जब एक फैमिली में, एक घर में अच्छे और बुरे होते हैं। पर होता क्या है कि कुछ कंट्रीज होती हैं जो ऐसी चीजों को हवा दे करके और बढ़ाती हैं, मर्दों को और क्रिमिनल्स को, ऐसे ऐसे गंद मचाने वाले मर्दों को और हवा देती है। पर हमारे हिंदुस्तान में देवियों की पूजा की जाती है, हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री छोटी छोटी बच्चियों का पूजा में पैर खुद खुद से अपने हाथ से धोते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देवियां देवियां होती हैं जिनको पूजा जाता है। तो इस हिंदुस्तान में हम औरत का सम्मान, औरत का मान, औरत की इज्जत, औरत का मर्तबा सर्वप्रथम है भाई। हमारे हिंदुस्तान में औरत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फाइनेंस बिल्कुल मिनिस्टर औरत है, माइनॉरिटी मिनिस्टर औरत है, हमारे हिंदुस्तान में सुषमा स्वराज जैसी मिनिस्टर रह चुकी हैं, हमारे हमारे हिंदुस्तान में झांसी की रानी जैसी रह चुकी हैं। अगर आप पीछे चले जाइएगा तो मैं कितनी कहानियां आपको बता सकती हूँ ठीक है। वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में। डेफिनेटली कोई ऐसा कंट्री जहां पे हिंदू कम्युनिटी, जहां पे सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी और बहुत सी कम्युनिटीज रहती हो और इतनी बड़ी आबादी हो और इस तरीके से वो मैनेज करके चलते हो, मैं एज ए पाकिस्तानी उस कंट्री को सलूट करता हूं और सलूट करना भी चाहिए। मैम एक चीज मुझे बताइएगा कि जैसे अभी इंडिया और फ्रांस अगर बात की जाए जॉइंटली मिलके एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वेपन्स को, मतलब डिफेंस वेपन को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी आपने अभी तेजा उसकी बात की जाए, अगर भरमूज की बात की जाए, इसके अलावा चंद्रयान 3 की बात की जाए, डेवलपमेंट के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, इतनी तेजी से जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या आप ये इंपोर्ट बिल्कुल बंद करके एक्सपोर्ट पे काम करने वाले हैं?
देखिए, ये तो हमारे सुपीरियर और कैबिनेट का काम होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम चैनल के जरिया हम बता नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आजादी के बाद कई साल तक हम ये सुनते रहे पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान ने अगर ये किया न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे, हिंदुस्तान ने अगर ये किया न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो एक हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी बड़ी मौन वरत वाली सरकार थी, बड़ी चुपचाप रहती थी, पत्थरबाज भी अपना पत्थरबाजी करते थे, कश्मीरी पंडितों पर भी अत्याचार हो जाता था क्योंकि उनको मुसलमान वोट चाहिए था, इसलिए वो मुसलमानों को हवा देते रहते थे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई, तो जब अग्नि 5 और मुर्मुगाव आया, तो क्या उससे पहले हमने प्रचार किया? उससे पहले हमने ऐड किया? उससे पहले हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली? नहीं बोली ना। सडनली आया अग्नि 5 और मुर्मुगाव, और अभी आपकी शाजिया मर्री जो है उनके मुंह में लग गया सैलोटेप। अब वो ऐसे ऐसे कर करके, जो वो बड़ी अहमकाना अंदाज में जो ऐसे ऐसे करते रहती थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, आज वो चुप है, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है मेरे को, लेकिन पब्लिक में आज आज उनके भी ये टीवी नहीं परसेप्शन दिखा है, रहे। पब्लिक में आज भी लोग यही कहते नजर आते हैं कि भाई इंडिया अगर कुछ करेगा तो इंडिया को, हमारे पास एटॉमिक पावर है, और ये भी कहा जाता है कि हमारा बम इंडिया के बम से ज्यादा पावर रखता है, ज्यादा जो सा है उसके अंदर कैपेसिटी है लोगों को तबाह करने की, या अगर कहीं पे भी हम करेंगे तो उसका ज्यादा रिएक्शन आएगा, एक्शन होगा। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो होता है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, अभी हाल फिलहाल में हम सुन रहे हैं ना 72 हूरों वाली बात, कि भाई आप जिहादी बन जाइएगा, काफिरों को मार दीजिएगा तो आपको ऊपर में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब इल्यूजन है, ये सब प्रैक्टिकलिटी से टच नहीं करता है, ये सब प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो हमारे जितने भी अचीवमेंट्स है, हमने जितना भी अचीव किया है, हम जितने इम्प्रूव हुए हैं, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी इफ एंड बट वाली बात नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा कोई फतवा और ऐसी चीजें अपनी जनता को बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके मिनिस्टर्स ये बात करते हैं, तो वही जनता उनसे